एंगुलर इंपल्स। एफ इक्वल्स डीपी बाय डीटी याद है, एफ डी टी इज इक्वल टू डीपी। इंटीग्रेशन कर दीजिए तो एफ डी टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। इसको बोलते हैं ठीक है, इसी के पद कमलों पे चलता हुआ को फॉलो करता हुआ है। क्या इसको बोलेंगे, कोई दिक्कत? ठीक है, एंगुलर इंपल्स बस यही। ठीक है, वी हैव लर्न दैट लीनियर इंपल्स ये था, तो इसको जो है अब एंगुलर इंपल्स हम लोग कर देते हैं। ठीक है, J इंटू आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आई ओमेगा। J एक्चुअली क्या है भाई, एम वी एफ डी टी, एफ डी टी तो एफ इंटू आर परपेंडिकुलर जाता है टॉर्क ना। लीनियर इंपल्स इज अप्लाइड टू सेंटर ऑफ मास रिजिड बॉडी जस्ट आफ्टर हिटिंग इट विल हैव ओनली ट्रांसलेशनल मोशन एंड इट्स लीनियर वेलोसिटी विल बी दिस। और इसमें क्या हो जाएगा, लीनियर इंपल्स है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी पी होगी। ठीक है, तो ओमेगा हो जाएगा J इंटू आर पर, बेसिकली टाउ। ये देखिए डेल्टा एल हो गया ना, अब डेल्टा एल क्या है, एल है आई ओमेगा, तो डेल्टा एल है आई इंटू डेल्टा ओमेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू टाओ डी टी बाय आई। डेल्टा ओमेगा है ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्स्ट्रा पॉइंट नंबर एंगुलर इंपल्स हो गया डेल्टा एल। फॉलोइंग थ्री केसेस, टॉर्क अगर कांस्टेंट हो, टॉर्क अगर फंक्शन ऑफ है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, टॉर्क वर्सेस टाइम वर्सेस, ठीक है सब करना पड़ेगा। चलिए अब इसको बना लेते हैं, कितना है, एक दो दो क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं। सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम and radius r is hit by a q at a height h above the center h, center c. For what value of h the sphere will roll without slipping? अच्छा, ये हिट हुआ है, जब ये हिट हुआ है तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि हम लोगों ने लीनियर इंपल्स प्रदान किया है। क्या प्रदान किया है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ठीक है, चलिए अब थोड़ा सब कर लेते हैं। तो लेट अस से कि यहां पे हम लोगों ने F फोर्स से हिट किया, कितने टाइम तक, डीटी टाइम, कोई दिक्कत? अच्छा, इसका क्या है, मास m है, रेडियस r, एट ए हाइट h अबव द सेंटर c। फॉर वाट वैल्यू ऑफ h द स्फीयर विल रोल विदाउट स्लिपिंग। तो f dt क्या हमको देगा, ये हो गया लीनियर इंपल्स ना, क्या देगा ये हमको, डीपी।
शुरू में रेस्ट पे था, तो डीपी हम लिख सकते हैं क्या एम इंटू डेल्टा वी, ये डीपी नहीं डेल्टा पी देगा ये एम डेल्टा वी, तो एम इंटू वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल तो जीरो था, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी, वी फाइनल क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ डी टी अपॉन एम, ये सॉल्व। अब ये यहां पे लग रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है ये एफ डी टी। अब f का टॉर्क क्या होगा, है ना, ध्यान से देखिए, ये f का जो है क्या कहते हैं ये r का आप दो कंपोनेंट कीजिए, एक ये डायरेक्शन में हो गया एक ये डायरेक्शन में, तो ये वाला तो h ही हो गया ना, तो f इंटू एच हो गया टॉर्क, ठीक है। और हमको पता है इंटीग्रेशन टॉर्क dt हमको देगा डेल्टा l विच इज इक्वल टू i डेल्टा ओमेगा, एफ एच dt इंटीग्रेशन शुड बी इक्वल टू आई डेल्टा ओमेगा विच इज इक्वल टू आई ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल तो जीरो है, ये एच बाहर निकल गया तो ओमेगा फाइनल क्या हो गया इन एच इंटीग्रेशन एफ डी टी बाय आई, कोई दिक्कत। अब क्या है रॉल विदाउट स्लिपिंग वी शुड बी इक्वल टू ओमेगा आर, यस और नो, तो वी फाइनल इंटीग्रेशन एफ डी टी बाय एम शुड बी इक्वल टू ओमेगा एच इंटीग्रेशन एफ डी टी बाय आई इंटू आर, ये जबरदस्त चीज हुआ, इंटीग्रेशन एफ डी टी कट गया, ये सबसे अच्छा चीज हुआ ना, और वाट विल यू हैव एच, एच होना चाहिए I डिवाइडेड बाय एम आर, क्लियर है क्या ये सुनना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई टच, ठीक है। ठीक है I डिवाइडेड बाय एम आर, अब अच्छा अब ये दिया हुआ है क्या था सॉलिड स्फीयर था, तो लिख लेते हैं आई डिवाइड बाय एम आर, तो एच हो जाएगा आई, आई क्या है सॉलिड स्फीयर का, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, आगे बढ़ते एग्जाम्पल 12.31 यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास m, ठीक है यूनिफॉर्म स्फीयर है भैया इसका है मास m है एंड रेडियस r, इसका रेडियस क्या है r है और ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है पहले ही लिख लो i क्या हो जाएगा, स्टार्ट्स रोलिंग विदाउट स्लिपिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, ये रोल कर रहा है एंड ये स्लिप नहीं कर, फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर रिलेटेड टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द इनिशियल मोमेंट, हाउ विल द रिजल्ट बी अफेक्टेड इन केस ऑफ परफेक्टली स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, एंगल ऑफ इनिशिएशन ऑफ द प्लेन इज थीटा, टाइम डिपेंडेंस ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर रिलेटिव टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द इनिशियल मोमेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द इनिशियल मोमेंट, जहां पे इनिशियल मोमेंट पे कॉन्टैक्ट था, ठीक सबसे पहला बात ये रोल कर रहा है इसका मतलब फ्रिक्शन है, कैसे, क्योंकि ये mg साइन थीटा तो इसको केवल एक्सेलरेशन देगा ना,
ए देगा, ये रहे क्या? अभी ए से इधर भागेगा, लेकिन रोल करने के लिए आपको टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क देने वाला तो केवल एफ है, क्लियर है क्या? तो हम लिख सकते हैं क्या, एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है? फिर लिख सकते हैं क्या, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, इधर ए एक्सेलरेशन, क्लियर है क्या? और ए होना चाहिए अल्फा आर, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? तो ए अब आ जाइए, जी साइन थीटा इज इक्वल टू अल्फा एफ आर बाय अल्फा इन एफ आर बाय आई इंटू आर, क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? अच्छा, लेकिन यहाँ पे देखिए, एम जी साइन थीटा है ना, माइनस एफ बी होगा इसमें, इक्वल्स एम है, तो जी साइन थीटा माइनस एफ बाय एम, एफ क्या हो जाएगा, तो लिख लेते हैं एफ आर स्क्वायर बाय आई प्लस एफ बाय एम इज इक्वल टू जी साइन थीटा एफ, हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस आई डिवाइडेड बाय एम आई इज इक्वल टू जी साइन थीटा, ये सर ना? एफ हो जाएगा एम आई इंटू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर, आई मेरा पता है 2 बाय 5 एम आर स्क्वायर, एम इंटू 2 बाय 5 एम आर स्क्वायर इंटू जी साइन थीटा बाय आई 2 बाय 5, तो बेसिकली 7 बाय 5 एम आर स्क्वायर, कट गया ये, कट गया ये, कट गया ये, कट गया 2 बाय 7, क्लियर है क्या? कितना हो जाएगा फ्रिक्शन, 2 बाय 7 एम जी साइन थीटा, ठीक है? तो इधर लिख देते हैं फ्रिक्शन कितना हो गया, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? तो अब जो है एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस 2 बाय 7 एम जी साइन थीटा, तो 5 बाय 7 जी साइन थीटा, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? ठीक है, और ये ऐसे घूमेगा, तो 2 बाय 7 एम जी साइन थीटा इंटू आर शुड बी इक्वल टू आई अल्फा, आई क्या था 5 बाय 7 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, सॉरी 7 7 कट गया, एम एम कट गया, आर से आर कट गया, ध्यान से देखिए अल्फा क्या हो रहा है, फाइव बाय सेवन, टू बाय फाइव ना, टू है ना, खत्म खत्म, तो अल्फा हो रहा है 5 बाय 7, ठीक है, जी साइन थीटा बाय आर, क्लियर है क्या? तो यहाँ पे भी हमको दिख गया ए इज इक्वल टू अल्फा, और यहाँ पे भी हमको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ये अल्फा हो गया 5 बाय 7 जी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 5 बाय 7 जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर, ठीक है? शुरू में ओमेगा नॉट जीरो है और वेलोसिटी नॉट भी जीरो है, तो वेलोसिटी यहां पे हो जाएगा टी और ओमेगा भी हो जाएगा टी, क्लियर है क्या? अब क्या बोल रहा है, फाइंड द डिपेंडेंस ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर रिलेटिव टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द इनिशियल मोमेंट,
ठीक है। तो यही पॉइंट, यह पॉइंट ना, ये क्या हो गया आर है, क्लियर है क्या? अब जो है इस डायरेक्शन में है ना आर क्रॉस एम वी, क्लियर है क्या? आर इंटू एम वी कर लीजिए, आर इंटू मास एम वी 5/7 जी साइन थीटा इंटू टी, क्लियर है क्या? वो भी ऐसा तो है ना प्लस के डायरेक्शन में ही निकल रहा है ये, और इसके कारण हो जाएगा आई ओमेगा। आई कितना है 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्या था ये 5/7 जी साइन थीटा बाय आर इंटू टी, ये भी ऐसे है प्लस के डायरेक्शन में है, प्लस हो जाएगा दोनों। देखते हैं थोड़ा कट रहा है क्या, कुछ कुछ ये कट रहा है, ये 5/5 कट गया, ठीक है ना? तो कितना हो गया ये 2/7 और ये 5/7, तो ये तो 1 हो गया है ना। एम जी आर साइन थीटा इंटू टी, एम जी साइन थीटा इंटू आर इंटू टी। अच्छा हम लोग इतना करके निकाले है ना, ये सर ना इसका तो बहुत जबरदस्त आंसर है। ठीक है चलिए, एटलीस्ट एक हार्ड मेथड से निकल गया। अब इनका देखते हैं क्या किया है इन्होंने, इन्होंने क्या किया है, एंगुलर मोमेंटम। अच्छा एक्चुअली देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू टाओ डी टी, जैसा नो इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत? टाओ जो है वो तो सेम ही लग रहा है, एफ कितना निकला था हम लोग का 2/7 एम जी साइन थीटा, ये निकला था ना एफ है, तो सीधा हो जाएगा एफ डेल्टा एल इजिकल टू आई ओमेगा ना, यस और नो? टाइम डिपेंडेंस ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर रिलेटेड टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द इनिशियल मोमेंट, यहाँ पे हमको निकालना है ना इसके अबाउट ना, तो इसके अबाउट जो है तो इस फोर्सेस क्या है, ये mg है, इधर हो गया mg cos थीटा, तो इसके अबाउट निकालना है tau dt है ना, तो केवल यही करेगा ना टॉर्क इसके अबाउट ये, और इसका इसका टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, एफ तो यहीं से पार कर रहा है, पास कर रहा है, एम जी कॉस थीटा इधर ही है, तो केवल इसी का टॉर्क रहेगा, तो इसीलिए एम जी साइन थीटा इंटू आर ये हो गया टॉर्क इंटू टी। वाह
बहुत दिमाग लगा दिया है। ठीक है There is no change in the result even if the body pure also slides as the torque of friction is zero. But so it hardly matter whether the surface is rough or smooth. Good question. ठीक है toppling. अब देखिए अभी यहाँ पे अगर हम लोग को ये वाला नहीं समझ में आता तो जैसे हम लोग पहले करते थे वैसे ही सब कुछ कीजिए उससे भी तो हम लोग का रिजल्ट आ ही गया था ना। सकता है इतना दिमाग हम लोग नहीं चमके तो भी जो हम लोग का जो सिंपल बेसिक मेथड है उससे कीजिएगा आ जाए। टॉपलिंग